हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माई चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फोम डॉल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने कमेंट ज़रूर भेजिए और आप इस डॉल को ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ब्यूटीफुल लगती है, मैंने लोटस फ्लावर की शेप में बनाई है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लोटस डॉल। उसको बनाने के लिए मैंने ये डॉल ली है, आलपिन ली है, कुछ मोती लिए हैं और ये फ्लावर्स लिए हैं, स्टेपलर लिया है और मैंने ये फोम लिया है जिसको मैंने पिंक कलर में कलर कर लिया है, जो महावर वाला रंग होता है या फिर जो जो होली में जो खेलते कलर, वो पानी वाला कलर होता है, उसको आप डिप कर लीजिए फोम में और उसको सुखा लीजिए, तो आपका ये पिंक कलर में बन जाएगा। और इसको मैंने 15 15 इंच में कट कर लिया, 15 लेंथ भी ली है, 15 ब्रेथ भी ली है। देखिए 15 15 यानी कि एक स्क्वायर फॉर्म में। देखिए इसको इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये हमें मिला के करना है। देखिए यहाँ पे, देखिए एक स्टेपलर लगा देंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। देखिए इसको इस कोने से इस तरह से मिलाएंगे, इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे। देखिए जिस साइड हमारा ये खुला है इस साइड हम नहीं लगाएंगे, इस साइड स्टेपलर लगाएंगे। ये सारे मैंने लगा लिए हैं। देखिए ये सब कर लिए मैंने। देखिए इसको इस तरह से यहां से ये बंद वाला है हमारा, इसको यहां से रखेंगे ऐसे और एक आलपिन लेंगे और एक इसमें मोती डाल देंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पे इस तरह से इसके जहां कमर है वहां पे इस तरह से लगा देंगे ऐसे। देखिएगा ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसके पास पास में ये सारे हम राउंडेड लगाएंगे जो भी हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये पूरे इसके देखिए इनको मैंने इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है। गोल चीज से बना लीजिएगा, मैंने ऐसे ही बना लिए हैं इस तरह से। इसकी ऊपर की ड्रेस की वो बना रही हूँ मैं। देखिए इस तरह से इनको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर ऐसे यहाँ से बीच से इसमें निकाल लेंगे आलपिन लगा के। इस तरह से यहाँ से ये हमारा इस तरह से दिखेगा, ये हमने एक लगा रखा है। ये इस तरह से आ जाएगा। देखिए देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये दो हैं हमारे अलग अलग, ये दो होते हैं। इसको यहाँ से करीब 1.5 इंच यहाँ इस तरह से दो पकड़ेंगे, बराबर कर लेंगे इनको स्टेपलर से, यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ये मैंने लगा दिया इसमें, अब इसको इसमें लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से।
ठीक है। अब इसको यहां से देखिए इस तरह से इन दो को पकड़ेंगे, करीब 1 इंच यहां से स्टेपलर से लगा देंगे। फिर देखिए इसको पकड़ेंगे इस तरह से, बराबर होने चाहिए ये इस तरह से, तभी ये फ्लावर का शेप आएगा। इसको यहाँ पे देखिए, फिर इसको इस तरह से यहाँ पे ले आएंगे, इतना आगे ले आके देखिए इस तरह से ये इधर लगा रखे हैं। इसी तरह से यहाँ से पूरा इसी तरह से करेंगे, ये बराबर मिला के ही करना। अब मैं इसका हेड बनाऊंगी। देखिए इसको मैंने गोल कट कर लिया है, एक लंबी सी ये ली है फॉर्म। इस तरह से इसको सिल लेंगे चुन्नट डालते हुए, थोड़ा बड़ा सिलेंगे ताकि ये फटे ना। गोल गोल सिलेंगे चुन्नट डालते हुए। इस तरह से इसकी प्लेटें डालेंगे ऐसे। पूरा इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसकी कैप बनके तैयार हो गई है, अब इसको हम लगा देंगे, इसको पिनअप उससे कर देंगे, हाल पिन से इसके सिर में इस तरह से पूरा फिट। देखिए जो डॉल के नीचे है ये उसका बेस, उसको हाल पिन से भी कर सकते हो, हम सुई से कर रहे हैं। इस तरह से इसको मिलाते हुए एक एक बार निकाल लेंगे सबको। ऐसे ये पूरा फ्लावर बनके तैयार है। देखिए यहाँ पे नोट लगा देंगे। देखिए अब मैं इसमें सिलिकॉन से मोती चिपका रही हूँ, जहां जहां ये देखिए हमारा जॉइंट है इसका, यहाँ यहाँ मैं सब जगह मोती चिपकाऊंगी। देखिए ये हमारा छोटा सा मोती है, इसको इस तरह से रखते जाएंगे और ये 15-20 मिनट में चिपक जाएगा। इसी तरह से मैं सारे चिपका दूंगी।